If you are not upgrading, you are downgrading. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। क्या आप सफल हैं? क्या आपके अधिकांश निर्णय अक्सर राइट होते हैं? और क्या आपके बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं और अभी अभी जिन्होंने बिजनेस में प्रवेश किया है या प्रवेश करने वाले हैं या कॉलेज में? यदि ये सारा कॉम्बिनेशन आपके पास है तो एक खतरा सामने है। मैं आजकल ये चारों ओर देख रहा हूं, डायनामिक लोगों की संतान, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर की कमी है, उनमें इंडिविजुअलिटी की कमी है, उनमें फील्ड में उतरने के गट्स की कमी है, करेज की कमी है। और अक्सर ये लोग मेरे पास सलाह करने आते हैं कि सर, हम तो अपने दम से इतने बड़े हो गए, सर हमारा बच्चा क्या करेगा समझ नहीं आता, सर हमारे बेटे में बिल्कुल डिसीजन लेने की ताकत नहीं, सर हमारी बिटिया बिल्कुल ध्यान नहीं देती, सर हमारा बेटा 12 बजे उठता है, सर हमारा बेटा मेहनत ही नहीं करना चाहता, वो फील्ड में ही नहीं जाना चाहता। आज अपने बच्चों को दोष देने की जगह एक पल ठहर के वास्तविक रीजन समझते हैं, लॉजिकल रीजन समझते हैं कि क्यों डायनामिक लोगों की संतानें डायनामिक नहीं होती। रीजन वन, दे डोंट अलाउ देम टू टेक डिसीजंस। वो उनको निर्णय लेने की इजाजत नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वो इजाजत देना नहीं चाहते, लेकिन दिक्कत यह है, चूंकि आप डायनामिक हैं, आप सफल हैं, आपने जीवन को बहुत करीब से देखा है, परखा है, थपेड़े खाए हैं, फिर उठ के खड़े हुए हैं, तो आप हमेशा राइट निर्णय लेते हैं। और आपके राइट निर्णय लेने के चक्कर में आपका बच्चा जो अब बड़ा हो रहा है, आपके साथ व्यापार में आ गया या आने वाला है, उसको निर्णय लेने का स्कोप ही नहीं मिलता। और कभी कभी जब वो निर्णय लेके आता है, बड़ी मेहनत से सोच के सब कुछ करके निर्णय लेके आता है, तो चूंकि आप डायनामिक हैं, चूंकि आप अहम ब्रह्मस्मि, तो आप क्या करते हैं कि उसके पूरे प्लान में खूब सारे दोष निकाल देते हैं। वो एक बार आता है, वो दो बार आता है, वो तीन बार आता है, वो चार बार आता है, फिर बाद में वो बोलता है पापा इज ऑलवेज राइट। तो अब पापा जब राइट हैं तो थोड़े दिन के बाद वो बेटा रॉन्ग होने लग जाता है। और नहीं तो वो क्या कहता है, मेरे और पापा के विचार नहीं मिलते हैं, हमारे बीच में जेनरेशन गैप है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। जब वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो कहता है मैं अपना अलग काम करूंगा, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लीडरशिप लेने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको डिसीजन लेने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको चोट खाने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको खड़े होने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको अपने अनुसार काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यदि आप डायनामिक हैं तो आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को कुछ निर्णय लेने दें और उनमें हस्तक्षेप ना करें। रीजन टू, दे डोंट अलाउ देम टू फेल। वो उनको असफल होने नहीं देते, वो उनका सब रास्ता आसान कर देते हैं, वो उनके मांगने के पहले चीज खड़ी कर देते हैं, वो अपना नेटवर्क यूज कर देते हैं, वो अपना प्रभाव यूज कर देते हैं, वो अपना फिनांस यूज कर देते हैं, वो आगे से आगे इतनी सुख सुविधा खड़ी कर देते हैं कि बच्चे को ये पता ही नहीं चल पाता कि असफल होते कैसे हैं। और उसको लगता है दुनिया एक केक वॉक है और जो मैं करूंगा वो सफल हो जाऊंगा। और जब सच्चाई से उसका साक्षात्कार होता है तो उसको समझ आता है दुनिया वैसी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक माता के रूप में या पिता के रूप में गलत हैं, आप निश्चित रूप से अपने बच्चे से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए, आप उसको थोड़े दिन के लिए असफलता से बचाएंगे और उसको स्थायी रूप से असफल बना देंगे, क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा। रीजन थ्री, दे क्लियर द रोड फॉर देम। बच्चे के आने से पहले वो उसके लिए सड़क साफ कर देते हैं। जैसे बच्चा पास होता नहीं, उसके पहले उसके लिए कोई इंडस्ट्री खोल देते हैं, कोई शॉप खोल देते हैं, कोई ऑफिस खोल देते हैं। यहां पर दुनिया में कुछ लोगों का उदाहरण सामने आना बहुत जरूरी है, जैसे कि नारायण मूर्ति। इन्होंने अपने बेटे को और अपनी बिटिया को, इनको सीधे बड़े पद नहीं दिए, उल्टा यहां तक कहा जाता है कि इनकी बिटिया ने एक बार इनसे किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी तो इन्होंने उससे कहा कि पहले इतने दिन की सोशल सर्विस करो, उसके बाद तुमको अनुमति मिलेगी। अजीम प्रेम जी का किस्सा पूरी दुनिया जानती है। अजीम प्रेम जी ने अपने बच्चे से कहा, आप एक एक करके नीचे से ऊपर बहुत सारे पदों को सर्व कीजिए, जब आप बहुत सारे पदों का अनुभव ले लेंगे तब आपको कंपनी की मिल्कियत मिलेगी। और जूनियर प्रेम जी को अपनी ही कंपनी में काफी दिन तक अलग अलग लेवल पर स्टाफ बनना पड़ा। सावजी भाई ढोलकिया का सुनिए, उनके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो रिलीज किया है। तो उनके परिवार में यह परंपरा है कि जो भी बच्चा होता है उसको बाहर जाके एक महीने, दो महीने, चार महीने रहना पड़ता है, जहां पर वो परिवार की पहचान का यूज नहीं कर सकता, जहां पर उसको कोई फंड नहीं मिलता, लेकिन उसको असल जीवन का अनुभव लेना पड़ता है।
साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी संतान के लिए इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप आगे से आगे उसकी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ उसको एक अच्छी शिक्षा दिलाइए, आप उसको सिर्फ अच्छे मूल्य दीजिए, बाकी अपनी सुख सुविधाएं उसको खुद अर्न कीजिए, ताकि उसके अंदर वैल्यूज पैदा हो, उसके अंदर काबिलियत पैदा हो, और असल काबिलियत हो तब आकर वो आपकी संपदा संभाले। क्योंकि ये कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात यदि पुत्र बुरा है तो आप कितना ही धन संचय कर लो वो उड़ा देगा, और यदि पुत्र अच्छा है, लायक है, काबिल है, आप कुछ नहीं रखेंगे ना तो भी वो इतनी समृद्धि और संपदा खड़ी कर देगा कि आपको उसके ऊपर गर्व होगा। तो आज यहाँ पर सारे डायनामिक माता पिता से, सारे सफल माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ, उसको बोलिए पास आउट होने के बाद 2 साल सड़कों पर रगड़ो, अपने दम पे इतना कमा के दिखाओ, इतनी जगह नौकरियां करो, इस कंपनी में जाओ, ये सिस्टम सीख के आओ, तब जाकर आप कुछ बना पाएंगे। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि उनकी संतान कमजोर बने, लेकिन ज्यादा प्रोटेक्शन दे देने से, ओवर पॉजेसिवनेस से आपकी संतान कमजोर हो जाएगी। आज देश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उनकी संतानों को मैं मेंटर कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पिता ने एक बार मुझसे कहा, मेरे बच्चों में डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है पाटनी जी, ध्यान रखना। और आज हर छोटा बड़ा निर्णय लेने के लिए वो मेरे संपर्क में आते हैं, और मैं जब पीछे पलट के देखता हूँ तो कारण साफ देखता हूँ, वो इतने सफल थे, वो इतने सक्षम थे, उनके निर्णय इतने राइट थे, उनकी दूरदर्शिता इतनी परफेक्ट थी कि उनके बच्चे कभी ग्रो ही नहीं कर पाए और अपने ही पिता की छाया में खत्म हो गए। कहते हैं जब बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, उसकी छाव में पौधे नहीं पनपते, क्योंकि वहां तक धूप नहीं आती। अपने बच्चों को धूप दीजिए, अपने बच्चों को कांटे दीजिए, तब जाकर वो कुछ बन पाएंगे। और परिवर्तन कब से शुरू होगा? आज से, अभी से, इसी क्षण से। और पीछे पलट के मत पछताना, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब कल सुबह से एक नए किस्म के पेरेंट्स बनकर सामने आइए। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो आप तुरंत उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं पेरेंटिंग पर, बिजनेस पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर। और यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।